हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। होप सो भाई सभी दोस्तों के कबूतर अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, अच्छे उड़ाते रहेंगे भाई। तो दोस्तों, बाजियों का टाइम चल रहा भाई, रोज़ कहीं ना कहीं पाँच दस आसपास गांव में बाजी रहती है। तो भाई सभी दोस्तों के साथ एक मैं बाजी वाला नुस्खा शेयर करूँगा आज भाई। जो दोस्त नए कबूतरबाज है भाई, नए बिगनर कबूतरबाज है ना भाई, दो दोस्त नए नए कबूतर रख रहे हैं जिनको भाई कबूतर यार धूप जाती है, यहाँ पे कबूतर पर मारते हैं ना यार, वो बरीक बरीक निकलता है जो कबूतरों का, ये खतरनाक होता है भाई, सीधा नहीं अंदर जाके दमता है। गेट खोल लेता हूँ। तो भाई मैं जाना सभी दोस्तों के साथ है ना एक नुस्खा शेयर करूँगा भाई कबूतर को बाजी में उड़ाने के लिए भाई, ठीक है। जो भाई पहले ट्राई करना चाहे तो भाई पहले भी ट्राई कर सकते हैं, और जो भाई बाजी में दे के उड़ाना चाहे तो भाई बाजी में दे के भी उड़ा सकते हैं सीधा, ठीक है। तो भाई दोस्तों चार पांच चीज़ें लगेंगी इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर ले सभी दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा भाई, उड़ाओगे भाई और याद करोगे भाई, और जिसके भाई कबूतरों को भाई अच्छे उड़े ना भाई कमेंट में बताया करो भाई, क्योंकि भाई कुछ भाई उड़ाते हैं फिर भाई कुछ तो बता भी देते हैं भाई, बताते हैं भाई व्हाट्सएप पे लगातार बता भी देते हैं दोस्त। तो भाई जिन भाइयों के भी अच्छे उड़े ना भाई नुकते, तो भाई बताया जरूर करो भाई हमारे कबूतर अच्छे उड़े हैं, तो भाई उससे हौसला सा बनता बंदे का। तो दोस्तों चार पांच चीज़ें लेनी है आपने, बहुत ही सिंपल सा नुस्खा बताऊंगा मैं आज आपको भाई। आप तो एक ना लेके आनी है सोट, ठीक है, 20 रुपये की सोट ले आइयो, ठीक है, देख लेना 20 रुपये की ले लेना, आपने उसकी आधा चम्मच चाहिए, आधा चम्मच की जरूरत पड़ेगी हमने उसकी, सोट ले आना 20 रुपये की, ठीक है। और भाई 10 रुपये की मिश्री ले आना है, ये भी 20 रुपये की ले आना, मिश्री बाद में काम आ जाएगी, मिश्री होती है ना जो चीनी के साइज की होती है, चीनी से बड़ी होती है साइज में, मिश्री ले आना 20 रुपये की, ठीक है भाई। एक आपने लेके आना दोस्त दवा मस खमीरा, ये भाई 120 रुपये की डिब्बी आती है साइज की, ठीक है, दवा मस खमीरा के नाम से, खमीरा की, ठीक है, ये लेके आनी है आपको। और भाई आपने सभी दोस्तों एक बोतल ले लेनी है छोटी सी साइज की, ठीक है, उसके अंदर आपने 20 ml पानी डालना है, 20 ml सिरिंज में डाल के 20 ml ही डालना है, ठीक। फिर आपने भाई उसके अंदर 2 चम्मच मिश्री की डालनी है, पीस कर डाल लेना मिश्री को, या फिर आप घुमाओ उसके अंदर डाल कर हिलाते रहो तो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हिलाना थोड़ी ज़्यादा टाइम पड़ेगा तभी घुलेगी वो, या फिर आप उसे कूट कर डाल लो तो और भी अच्छा रहेगा। और भाई आपने उसमें आधा चम्मच डालनी है सोट, ठीक है, सोट, सोट को बारीकी कर लेना, चूरा बना लेना, फिर डालनी है उसके अंदर सोट। फिर आपने डालना दोस्तों उसके अंदर खमीरा, 1 चम्मच आपने उसके अंदर डालना है खमीरा भाई, ठीक है, सभी चीज़ों को भाई अच्छे से मिला लेना, ठीक है, अच्छे से मिला लेना भाई, पानी है ना बिल्कुल दूसरे पानी का कलर है ना थोड़ा सा करड़ा करड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी जो अपना नॉर्मल पानी होता है ना उससे चेंज में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। भाई अगर आप इसके अंदर मिलाना चाहो ना 1/4 हिस्सा एवल 25 का और 1 गोली बैठना सोल की, ठीक है, वो मिला लेना भाई। अगर आप नॉर्मल भी लगा कर देखोगे तो भी बेहतरीन उड़ेगा, लेकिन आप ये भी करके देख लेना 1/4 हिस्सा एवल 25 का और 1 गोली बैठना सोल की पाउडर बना के इसके अंदर डाल लेना, ठीक है दोस्तों। और भाई उसको पाउडर उसको ना पूरी अच्छे से मिला लेना सभी चीज़ों को। आपने भाई ये देना कैसे है वो बता देता हूँ मैं, जैसे भाई हम कबूतर हमने आज सुबह उड़ाना है 8 बजे, तो आपने भाई 5 ml पानी लेना है इसके अंदर से, पहले अच्छे से हिला लेना उसको भाई, क्योंकि बनाकर तो हम क्या रात को रखे और देना सुबह पड़ेगा हमने कबूतर को, तो उसको भाई अच्छे से हिला लेना सुबह, हिला कर फिर उसके अंदर से 5 ml लेना है, और जितना फिर आप अपने कबूतर को पानी देते हो 20, 25, 30, 35 जितना भी ml 5 ml वो रखना है, बाकी आपने सादा पानी लेना है, ठीक है, और अपने कबूतर को उड़ाने से आपने 5 मिनट पहले देना है ये पानी कबूतर को, ठीक है भाई, आपने अपने कबूतर को उड़ाने से 5 मिनट पहले ये पानी देना दोस्तों। फिर 5 मिनट पहले पानी दे के कबूतर को वहीं पर छोड़ दे, ठीक है, 5 मिनट बाद आप अपने कबूतर को ना उड़ा दो भाई, भाई बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा दोस्तों।
मैं भाई इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपका कबूतर है ना भाई 2 या 2.5 घंटे भी उड़ रहा ना, तो कबूतर है ना भाई, गर्मी में बता रहा हूँ दोस्तों, अभी के टाइम में अगर आपका कबूतर 2-2.5 घंटे उड़ रहा है, जिन दोस्तों के कबूतर खुल नहीं रहे, या खोलने का भी तरीका भाई है, 2 घंटे उड़ रहे हैं, 3 घंटे उड़ रहे हैं, बहुत से भाई बोलते हैं कि भाई हमारा 2 घंटे उड़ रहा है, 3 घंटे उड़ रहा है, तो भाई ये नुस्खा बता दिया मैंने, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आपका कबूतर है ना दोस्तों जो 2-3 घंटे उड़ रहा है, वो नॉर्मल है ना 6-6.5 घंटे उड़ेगा भाई, क्योंकि भाई मैंने एक भाई को भी बताया था नुस्खा, उसका कबूतर ना भाई 1 घंटा ही उड़ता था, ठीक है, तो उसका दोस्त का कबूतर भाई 5-5.5 घंटे उड़ने लगा, 5-5.5 घंटे पानी देने के बाद भाई 1 घंटे से, यानी 4 घंटे पदाना बहुत ही वो है भाई, ठीक है। आप भी कबूतर को नॉर्मली देख कर देख सकते हो, अब ये पहले ट्राई कर लेना भाई, बाजी में तो मत छोड़ना, ये पहले आप ट्राई कर लेना, ट्राई करने के लिए बता रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि जो कबूतर उड़ नहीं रहे उन पर ट्राई कर लेना, ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहेगा ना दोस्तों, आप उड़ाओगे भाई और कहोगे भाई बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया था भाई ने दोस्तों, ये तो है भाई उड़ाने का तरीका भाई। फिर जब आपका कबूतर उड़का है ना भाई, आपने कबूतर की ना संभाल करनी होती है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे भाई एक इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉल पाउडर जो बच्चों को दस्त वगैरह लग जाते हैं, पाउडर का पैटक मिलता है एक इलेक्ट्रॉल के नाम से, वो ले आना, ठीक है। जब आपका कबूतर उड़का है ना भाई ये पानी देने के बाद, तो आपने वो 2 चुटकी 5 ml पानी में मिला लेना, ठीक है, और जब आपका कबूतर उड़कर उतरे तो आपने वो पाउडर अपने कबूतर को देना है 15 से 20 मिनट के बाद में, ठीक है, पानी को अच्छे से हिला लेना, यानी थोड़ा सा निवाया ऐसा कर लेना, फिर दे देना कबूतर को। जिन दोस्तों के कबूतर उड़ नहीं रहे हैं ना भाई, ये नुस्खा अजमा कर देखियो दोस्तों, गारंटी देता हूँ भाई मैं, आपका कबूतर है ना 4-4.5 घंटे नॉर्मल बढ़ा देगा भाई उड़ने वाला कबूतर, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की दोस्तों। और भाई अगर उड़े ना तो बताइए जरूर दोस्तों, ठीक है, मैं अपना नंबर है ना भाई साथ में शेयर करता रहता हूँ, जिन दोस्तों के कबूतरों को रिजल्ट मिले ना भाई उड़ा का है, तो बताइए जरूर दोस्तों, ठीक है भाई। तो भाई और भाई आसपास अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो भाई, जो भाई नए कबूतरबाज है दोस्तों, ठीक है, तो सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट रहती है भाई, जो भाई वीडियो पर नए आते हैं वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आसपास अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो भाई, जो दोस्त नए कबूतरबाज है, ताकि उन दोस्तों को भी भाई कबूतरबाजी की समझ हो सके, ठीक है दोस्तों।